कनेक्शन क्या है, कनेक्शन क्या है यूपी से, क्या यूपी का रहने वाला है कानपुर आने की वजह? यह मूल रूप से बखीरा थाना संत कबीर नगर का रहने वाला है और इसका मेंशन हम लोगों ने आपको जो प्रेस नोट दिया जाएगा उसमें किया है। ये भी संभावना थी कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से ये देश छोड़ सकता है, नेपाल जा सकता है, इसलिए नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट किया गया था। और जो इसके मूल जनपद में जो लोग इसके जानने वाले थे उनको भी कॉन्टैक्ट किया गया था। जो और भी रास्ते हैं नेपाल जाने के उन पर भी हम लोगों ने अलर्ट किया था और कानपुर में फाइनली इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। मुंबई सीरियल ब्लास्ट में इसकी भूमिका, मैं आपको बता दूं कि ये बॉम्ब बनाने का मास्टर है। बॉम्ब बनाने वाले में जो एक्सपर्ट्स हैं वो आतंकवादियों में भी बहुत कम ही होते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल विद्या है। और इसलिए और इस व्यक्ति ने, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि इसने 50 से ज़्यादा आतंकवादी घटनाओं में बम बनाने का काम किया। कि ये बड़ी खबर, भगोड़ा जलीस अंसारी गिरफ्तार। संपर्क करके हम कह गए क्योंकि ये मुंबई जेल में था, ये पैरोल पे वहां से छूटा है, मुंबई अजमेर जेल में था, तो वहां से हम कांटेक्ट करके पूरी डिटेल्स लेंगे। लेकिन फिलहाल ये पैरोल पे था और पैरोल पे ही जाने वाला था, इसकी अवधि आज खत्म हो रही थी और इसी बीच उसने इस पैरोल को जंप किया और तब ये हुआ। ये सारी चीजें हम इंट्रोगेशन से उसको डिटेल्स लेंगे। इससे हम देखेंगे कि क्या इसका नेटवर्क है, क्या ये जेल में रहकर भी अभी भी कुछ लोगों के संपर्क में है, उसको एसटीएफ जो है तहकीकात करेगी और देखेगी कि उसके नेटवर्क को हम कैसे देख सकते हैं और उसको कैसे हम और भी उसको पेनिट्रेट कर सकते हैं। यही अभी जस्ट वो मंगाया गया है वहाँ से, अभी कानपुर से आया है, उसको एक इंटेंसिव इंटरोगेशन होगा बाय एसटीएफ टीम और उसके बाद ही हम आपको बताने की स्थिति में होंगे कि उसका जंप करने का, इस परोल को जंप करने का क्या विशेष ऑब्जेक्टिव था। वॉज ही प्लानिंग टू डू समथिंग और वॉज ही प्लानिंग टू मीट समवन, वॉज ही गोइंग टू बी इन टच विद समवन, डज ही हैव एनी डिज़ाइन टू गो फॉर सर्टन मोर एक्टिविटीज़ ऑफ दिस काइंड। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटेंसिव इंटरोगेशन से हम उसके लिए टीम गठित कर दिए हैं और वो एसटीएफ की टीम उसको इंट्रोगेट करेगी। ये पेशे से डॉक्टर है और टेक्निकली ट्रेंड होकर के ये बांग्लादेश से आया था और इसलिए इसको डॉक्टर कहते थे, आतंकवादी संगठन में इसको डॉक्टर के कोड से जाना जाता था। तो 1993 बम धमाकों का दोषी भगोड़ा जलीस गिरफ्तार। कानपुर से एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं।